सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान, सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। भूमिका। जिस समय मैंने ये ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान ना था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हां, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 सम्मुलास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 सम्मुलास पूर्वार्थ और 4 उत्तरार्थ में बने हैं, परंतु अंत के 2 सम्मुलास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे। अब वे भी छपवा दिए हैं। प्रथम सम्मुलास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय सम्मुलास में संतानों की शिक्षा, तृतीय सम्मुलास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ सम्मुलास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, पंचम सम्मुलास में वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की विधि, छठे सम्मुलास में राजधर्म, सप्तम सम्मुलास में वेदेश्वर विषय, अष्टम सम्मुलास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम सम्मुलास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें सम्मुलास में आचार अनाचार और भक्ष अभक्ष विषय, एकादश सम्मुलास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश सम्मुलास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश सम्मुलास में ईसाई मत का विषय, चौदहवें सम्मुलास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 सम्मुलासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूं। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है।
वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित करते, पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि आठे दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और ना किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा, और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो के स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं, परंतु सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। ये बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् दग्रे विषमेव परिणामे अमृत पमम, ये गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात
अमृत के सदृश होती है। ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होने। यद्यपि मैं आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात ना कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूं। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूं, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यवर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें सम्मूलास तक लिखा है। इन सम्मूलासों में जो के सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य है। यद्यपि जो 12वें सम्मूलास में चारवाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और ये चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवादादि में रखता है, यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात ना रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 12वें सम्मूलास में संक्षेप से लिखा गया है, और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है, और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें सम्मूलास में लिख दिया है, यथा योग्य वही समझ लेना। जो इसका भिन्न है सो 12वें सम्मूलास में दिखलाया है, बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है,
उसमें से यहां लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। उनमें से चार मूल सूत्र जैसे आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक सूत्र, दशवैकालिक सूत्र और पाक्षिक सूत्र। 11 अंग जैसे एक आचारांग सूत्र, दो सुगडांग सूत्र, तीन थाणांग सूत्र, चार समवायांग सूत्र, पांच भगवती सूत्र, छह ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, सात उपासक दशा सूत्र, आठ अंतगढ़ दशा सूत्र, नौ अनुत्रोव वाय सूत्र, दस विपाक सूत्र और 11 प्रश्न व्याकरण सूत्र। 12 उपांग जैसे एक उपवायी सूत्र, दो राव पसेनी सूत्र, तीन जीवाभिगम सूत्र, चार पन्नगणा सूत्र, पांच जम्बू द्वीप पण्डिति सूत्र, छह चंद पण्डिति सूत्र, सात सूर पण्डिति सूत्र, आठ निर्यावली सूत्र, नौ कपिया सूत्र, दस कपवड़ीसिया सूत्र, 11 पुप्पिया सूत्र और 12 पुप्पे चुड़िया सूत्र। 5 कल्प सूत्र, एक उत्तराध्ययन सूत्र, दो निशीथ सूत्र, तीन कल्प सूत्र, चार व्यवहार सूत्र और 5 जीत कल्प सूत्र। 6 एक महानिशीथ बृहद वाचना सूत्र, दो महानिशीथ लघु वाचना सूत्र, तीन मध्यम वाचना सूत्र, चार पिंड निरुक्ति सूत्र, पांच औघ निरुक्ति सूत्र, छह प्रयूषणा सूत्र, 10 पैरणा सूत्र जैसे एक चतुष सरण सूत्र, दो पंच खान सूत्र, तीन तदुल वैयालिक सूत्र, चार भक्ति परिज्ञान सूत्र, पांच महाप्रत्याख्यान सूत्र, छह चंदा विजय सूत्र, सात गणि विजय सूत्र, आठ मरण समाधि सूत्र, नौ देवेंद्र स्तवन सूत्र और 10 संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र। योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। 5 पंचांग जैसे एक पूर्व सब ग्रंथों की टीका, दो निरुक्ति, तीन चरणी, चार भाष्य। ये चार अव्यव और सब मिलके पंचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं के जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समूलास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वह छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हां जिसको कोई ना माने और ना कभी किसी जैनी ने माना तब तो आग्राह्य हो सकता है, परंतु
ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी ना मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हों तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को ना देते ना सुनाते ना पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समूलास में ईसाइयों का मत लिखा है, ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समूलास में देखिए और 14वें समूलास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है, ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समूलास में देखिए और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है, जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। आकांक्षा, किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह कहाती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। आसक्ति, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से ना देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होंगे। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बेहिह है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय
सब सज्जनों के सामने धरता हूं। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करें। अलमति विस्तरेण बुद्धिम द्वर शिरोमणिषु इति भूमिका। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थान महाराणा जी का उदयपुर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान।